चलो जल्दी से चंपू को ढूंढते हैं, हमारा ग्रीन की मेल कहाँ गया, हमारा भाई। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं। ओ भैया जी, यहाँ पे तो पूरी बिल्डिंग ही लगी हुई है। सबके पास तो इंक्यूबेटर वाली स्कार है, लेकिन इन्होंने हम पे निशाना काहे लगा रखा है रे? क्या ये स्कार तुम हमें देने लेके आए हो? मुझे इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अबे अक्कल के अंधो, ये लोग हमें मारने आए हैं, मारने। किसी ने तो सही बात की, हम यहाँ तुम्हें मारने आए हैं। तुम्हें मारने के बाद हमें सस्ता क्रिमिनल नहीं बोला जाएगा। क्या हुआ क्रिमिनल, डर गए? अब तुम्हारे ग्लोबल पे आने के दिन खत्म। अब देखे दिखाओ वन टैप। विकी विकी, मैं सस्ता हैकर नहीं हूँ। विकी विकी, अब मैं भी जाऊंगा ग्लोबल पे। आज मैं आपको अपने वीडियो एडिट करने के लिए दोस्तों एक अमेजिंग वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है वंडर शेयर फिल्मोरा गो। इसमें आपको वीडियो एडिटिंग के लिए काफी सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं। इस ऐप में आपको ढेर सारे एनिमेटेड स्टिकर्स मिलेंगे, साथ ही साथ ढेर सारे फिल्टर्स और एनिमेशन भी। इस ऐप को यूज करके दोस्तों आप अपने वीडियो को एक बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के। ये ऐप यूज करने में बहुत ही ज्यादा इजी है दोस्तों। चाहे वीडियो में ऑडियो ऐड करनी हो, या फिर वीडियो को फास्ट या स्लो करना हो, या फिर आपको ऐड करनी हो कोई भी ट्रांजिशन या एनिमेशन, ये ऐप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वो सारा काम करके दे देगा। और साथ ही साथ अपने वीडियो में आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, वो भी अपनी पसंद का। काफी सारे फॉन्ट्स है। तो दोस्तों देर किस बात की, इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करो, इस ऐप को डाउनलोड करो और अपने वीडियोस को और भी ज्यादा प्रोफेशनल वे में एडिट करो। और आपको ये ऐप एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़िया ऐप है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमको गन दिखाओ? ला रे पीलू, शॉटगन निकाल। असल में एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं सारे वेपन्स घर में ही भुलाया, सॉरी। तेल से एक काम ठीक से नहीं होता, अब हम मर जाएंगे। तीन की गिनती पे इन पे फायर करना। तीन, दो, विकी विकी, एक, मेरा फायर। बोयो अब तो गए। हे, ये क्या हो रहा है? थन्ये थन्ये ग्लूबॉल। ये ग्लू वॉल कुछ जाने पहचाने दिख रहे हैं, जल्दी यहाँ से निकलो। हमारी आर्मी ही इनसे निपट लेंगी, अभी हम निकलते हैं। मेरी आर्मी, खत्म कर दो इन्हें। इन लोगों के ग्लू वॉल फोड़ो, खत्म कर दे। ग्लू वॉल फोड़ो इनके। गद्दारो, हमसे गद्दारी बहुत महंगी पड़ेंगी रे। तुम्हें बताना पड़ेगा कि फ्री फायर का बाप कौन है। मारो उसे, वो पागल हो गया है। मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आ जाओ मेरे घेरे में। मेरा पैर
लाल लाल मनी आइस आ जाओ मेरे पेट के अंदर। इतने बंदों को मारने के बाद मेरा रैंक स्कोर तो बहुत ही बढ़ जाएगा, पर समझ नहीं आ रहा इन लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया किसने। पता नहीं इन नुबड़ों की प्रॉब्लम क्या है, हम जैसे रेयर बंडर से इतना क्यों जलते हैं। अगर इन लोगों को कोई खरीदना नहीं है तो इसका दोष हम पे कैसे आ जाता है बार बार, ये मुझे समझ में नहीं आता। इन्हें भड़काने वाला जिस दिन मुझे मिल जाए ना, कच्चा चबा जाऊंगा। अपने आप पे काबू रखो, जिस दिन मिलेंगे उस दिन देख लेंगे। वैसे मुझे याद नहीं आ रहा हम लोग यहाँ पे आए किस लिए थे, किसी को बचाने आए थे क्या। ओ भैया जी, हमको बाहर तो निकालो, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े होके। अरे माफ करना, मैं भूल गया तुम्हारे बारे में। ओ भैया जल्दी से जाके ग्लोबल फोड़ो, हमारे भाइयों को ग्लोबल टलना नहीं आता, जल्दी फोड़ो। ठीक है फोड़ देता हूँ। वाह ठंडा ठंडा ग्लू, और इसे तो फोड़ना पड़ेगा, पहले दिखाता अपनी बंदूक। ये ग्लोवल तो GTA में आने के बाद बहुत ठंडे हो गए, खोलने पे ग्लोवल। ये खुल गया, मेरा शर्ट जम गया पूरे तरीके से। ओ भैया जी, ये हमारे गिल्ड वाले हमारे ऊपर ही क्यों अटैक कर रहे हैं। कोई उन्हें भड़का रहा है कि हमें मारने से वो लोग रेयर बन जाएंगे, पर वो लोग ये भूल रहे हैं कि रेयर बनाना सिर्फ गरीना के हाथ में होता है। छोड़ो इन लोगों की बातें, वैसे हमारा भाई अभी तक हमें नहीं मिला है, 3 दिन से वो लापता है। कहीं कोई GTA वाले ने तो उसे मार तो नहीं दिया। ए चुप, हमारा भाई GTA वाले से निपटना अच्छे जानता है। पता नहीं क्यों, पर ये लोग जो हमला करने आए थे, ये लोग तुम्हारे भाई के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते होंगे। पर पता कहीं चलेगा कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। वो देखो, वो DJ हल्क जिंदा है, तो उसी से पूछ लेते हैं ना भैया जी। चलो हमारे पीछे आओ, आए DJ हल्क के बच्चे। और डिजल के बच्चे, बता हमारा भाई कहाँ है, बता तुझे किसने भेजा, बता जल्दी। हमारा भाई जंबू कहाँ है, बता बता, तूने हमसे गद्दारी क्यों की। बताते हो ये गोली तुम्हारे अंदर डाल दे, बताओ जल्दी बताओ। हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे मालिकों को भड़काया गया है। जहाँ तक मुझे मालूम है, अभी तक के उन लोगों ने 2 रेयर बंडल को खत्म कर दिया है, एक आर्टिक ब्लू और तुम्हारा भाई। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू झूठ बोल रहा है। शायद से, और उसका नाम है। क्या नाम है उसका, बताओ हमको नाम जाना है, नाम बताओ। क्या रेंचो दास उर्फ ब्लड मून समुराय, ऑल इस फ्री करने वाला। मैं भी बोलूंगा ऑल इस फ्री। चलो ढूंढते हैं जंबू को। दो वाली स्किन बरमुडा रिमास्टर, क्या बात है। अरे आर्टिक ब्लू फ्री हो गया कैसे। अरे तुम्हारे युकम दिद्दा क्या बड़बड़ा रहे हैं, जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से ये कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। फ्रैंकलिन तुम शायद जानते नहीं, हमारे युकम दिद्दा एक बहुत ही ज्यादा ज्ञानी आदमी है, उन्हें फ्री फायर में आने वाली हर एक चीज के बारे में पता चल जाता है। ये काफी बार एडवांस सर्वर में खेल के आ चुके हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान है इनके पास। 1 जनवरी में। हाँ फ्रैंकलिन तुम जानते नहीं, युकम दद्दा ने हमें सबसे पहले बंडल दिया था, पर ना हम लोग तो नुबड़े ठहरे थे। युकम दद्दा कुछ बताइए, हम एक मुसीबत से कैसे निकले। हमें GTA और फ्री फायर की दुनिया को पहले जैसा करना है। हाँ, पोर्टल टूट चुका है, अब हर एक अपडेट इधर ही आएंगे। आपका मतलब क्या है युकम दद्दा,
कौन से अपडेट्स इधर आएंगे? एडम, गरीना ने टेलीपोर्टल पोर्ट लाके दो दुनिया को एक कर दिया है। अब जो अपडेट फ्री फायर में आएंगी उसकी चीजें तुम्हें यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। मतलब अब तो GTA गया, पूरी तरीके से गया। सपना टूटा है पर दिल कभी चलता है। तू कौन से गाने गा रहा? अरे बीडू कुछ नहीं, अपन तो सिर्फ ऐसे ही गाने गा रहा था मोटिवेशन के लिए। इसमें तो बिल्कुल भी वजन नहीं है, हल्के हल्के दिख रहे हैं तो ये। ए बीडू थोड़ी देर से देखो पता चल जाएगा क्या होता है। तो अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें ये सब खत्म करना है तो जाके टेलीपोर्टल पोर्ट ढूंढो। जैसे ही वो मिल जाए फौरन मुझे खबर करो। पोर्टल मिल जाने के बाद हम उस पोर्टल को बंद कर देंगे, जिसके वजह से GTA 5 और फ्री फायर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है युकंग दद्दा, हम दो टीम्स में डिवाइड होकर पूरे शहर में टेलीपोर्ट पोर्टल को ढूंढ लेंगे। खतरा तो बस उन जोकर और क्रिमिनल से है, उनके पास भी टेलीपोर्ट पोर्टल की गन आ चुकी है। सिर्फ उनसे ही नहीं बल्कि तुम्हारे माइकल दादा भी अब उन जोकर और क्रिमिनल के साथ मिल चुके हैं। ये बात तुम युकंग दादा को क्यों नहीं बताते? मुझे लगता है माइकल दादा किसी मुसीबत में है। तुम लोग अकेले जाओ। ठीक है टॉमी भैया, तुम यहाँ पे आराम करो, वैसे भी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। जब से आए हो तब से कुछ ना कुछ किए ही जा रहे हो। तो ठीक है, टॉमी को इधर ही रहने दो, तुम लोग जाओ। पर हम यहाँ से जाएंगे कैसे? मुझे जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है फिर, हयात और मैं एक टीम में और एडम और अलग तुम साथ में चले जाना। तो ठीक है, मेरे इस दोस्त को साथ ले जाओ। ए बीडू तू टेंशन क्यों लेता है, अपन आएगा ना तेरे साथ, अपने को जंगल के बारे में बहुत चीजा मालूम है, चल मेरे साथ चल। तो जाओ आप पोर्टल ढूंढने, जैसी मिले वैसी मुझे बताना। अरे हया तो अपना बंडल पहन लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ आपने सही कहा, बंडल पहनना तो मैं भूल ही गया था। उशम। ठीक है अब मैं तैयार हूँ, चलो मेरे साथ। ए बीडू इतना चिल्ला मत, मेरे कान के पर्दे फट गए। चलो मेरे पीछे। ए तो बीडू लोग चलो पुट के पीछे। ए भोपिया उतर उधर से। चलो चलो रे, आज पूरा जंगल दिखाता तुमको। आराम से थोड़ा ढलान है, आराम से चलो यार। अब तुम लोग भी जाओ पर पोर्टल को छूना मत, वरना खतरनाक चीजें बाहर आ सकती है। ठीक है युकंग दद्दा, अब हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। तो दद्दा हम चलते हैं, बस टॉमी भैया का ख्याल रखना। एडम जाओ और उस पोर्टल को ढूंढ के ही आना। ओ जल्दी चलो, सब लोग उतरो, जल्दी जल्दी उतरो। यही देखो, ये देख रहे हो सामने की बिल्डिंग, यही बिल्डिंग है अपने छांचड़ का घर, जल्दी ढूंढो। ए छांचड़ बाहर निकल, कहाँ है रेंचो? वो देखो खिड़की। चलो भैया जी जल्दी चलो, अपने पास टाइम नहीं है। जम्बू मेरा भाई, जम्बू। हमको कुछ नहीं पता। ए बिल्लू ओलिविया की एबिलिटी यूज कर जिसने चुराया था, इसको जिंदा करा बस। ऐसा नहीं हो सकता भैया जी, उसके लिए तो पूरी बॉडी चाहिए, पर हमारे भाई का तो सिर्फ सर। नहीं हमारा भाई छोड़ूगा नहीं उसको, वो रेंचो का बच्चा हमसे नहीं बचेगा, वो बचेगा नहीं हमसे। अच्छा मेरे सामने से उसको छोड़ूगा नहीं, खून का बदला खून दे दूंगा। हमारे ब्लड मून समुराई, हमारे तुमका जान देने। यार कब से हम घूमे जा रहे हैं, टेलीपोर्ट पोर्टल दिखने का नाम ही नहीं ले रहा। कि सच में फ्री फायर में कोई ऐसा अपडेट आया भी है जिसमें टेलीपोर्ट पोर्टल हो? दद्दा ने कहा है तो सही होगा, दद्दा को भी बात ऐसे नहीं करते हैं। कहीं अपने वुकोंग दद्दा अनग्रेजुएट गेमर के वीडियोस तो एक मिनट। टेलीपोर्ट पोर्टल दिखी गया आखिरकार।
ये तो बहुत खतरनाक है, हमें जल्द से जल्द यूकॉम दद्दा को खबर करनी चाहिए। रुक जाओ एडम, इसे देख के तो मुझे अपने रैंक गेम की याद आ रही है। कितने दिनों से हमने रैंक गेम नहीं खेला, ना ही क्लैश कोड रैंक। ऐसा लग रहा है इस पोर्टल के अंदर जाते ही मैं वो सब पहले जैसे खेल पाऊंगा। चलो एडम मेरे साथ इस पोर्टल के अंदर चलो। रुक जाओ, लोग ऐसा मत करो, वो तुम्हें अपने तरफ बुला रहा है। नहीं है वो लोग, नहीं। अब मैं खेलूंगा रैंक गेम। ओ बाप रे, ओ बाप रे, ओ मैं एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया। ये टेलीपोर्ट पोर्टल सच में काम करता है। एडम कहाँ हो तुम? एडम जल्दी से जल्दी हमें युकॉम दद्दा को इस बारे में खबर कर देनी चाहिए, ये दिमाग पे भी काबू करता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ऐसा मत करो, तुमने गलती कर दी, तुम पोर्टल के अंदर घुस गए, अब पता नहीं क्या होगा। फिकर क्यों करते हो एडम, कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पे वैसे भी काफी सारे पोर्टल्स खुले हुए हैं। अब ये आम बात समझ लो यार, गरी ने अपडेट दे दिया है। नॉर्मल अपडेट से तुम इतना क्यों डरते हो एडम? तुम्हें कोई फिकर करने की जरूरत नहीं है एडम। अभी अपन सीधे युकॉम दद्दा के पास जाएंगे और हम उनसे बोलेंगे कि अंडेशन यंग मैन, हम गरीना ऑफिशियल से हैं। पोर्टल लास्ट टाइम किसने छुआ था? मैंने नहीं छुआ था, मैं पोर्टल के करीब तक नहीं गया। हम तो पोर्टल कुछ जानते ही नहीं कि पोर्टल होता क्या है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मुझे स्कैन करके देखना होगा। पहला नाम प्रिमिसेस, जो एडम बन के घूम रहा है। दूसरा कैदी आलोक, जो टेलीपोर्टर गन चुरा के भागा है। दोनों गुनहगार हैं। करीना ऑफिशियल्स जल्दी आ जाओ, दोनों कैदियों को लेके जाना है हमको। पर हमारी बात तो समझो, यहाँ पे और खतरनाक लोग हैं जो इस शहर को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उनको जाके पहले पकड़ो। तुम करीना ऑफिशियल्स हमेशा अच्छे लोगों की आईडी से क्यों बंद करते हो? पहले जाके उन्हें पकड़ो जो मार को लगाते हैं। अपने हाथ ऊपर करो, अपने हाथ ऊपर करो, हमारी गिरफ्त में हो तो अपने हाथ ऊपर करो। टारगेट हो चुका है। बापरे, कब से हम इस जंगल में भटक रहे हैं? तुम मुझे सही जगह से तो लेके जा रहे हो ना चिंपैंजी मिया? ए बीडू, तू टेंशन मत ले, मैं इस जंगल के कोने कोने से वाकिफ हूँ, मुझ पे शक मत करना। ठीक है मैडम, वैसे क्या तुम मुझे अपना मास्क उतार के दे सकते हो? मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। ये मास्क कमजोरों के लिए नहीं है, मेरे जैसे जाबाज लोग ही इसे पहन सकते हैं। हौरे बहुत दिख रहा तेरा। क्या बोला तूने? ये मास्क मुझे ताकतवर बनाता है। हाँ बस बहुत हो गया, चलो 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 जल्दी चलो यार। अरे ये क्या, वो झाड़ियों में से कुछ आवाज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है उन झाड़ियों के पीछे कोई ना कोई तो है जो हम पे नजर रखे हुए हैं। अरे बीड़ू, झाड़ी के पीछे मत देख, क्या पता वहाँ पे शेर हो। शेरों से लड़ना मेरी पुरानी आदत है, कौन है वहाँ? अरे बीड़ू एकदम नजदीक मत जाना, कहीं एनाकोंडा रहा ना पूरा ही खा लेगा। कौन है वहाँ? सामने आओ। अगर मैं बाहर आ गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तू धमकी किसे दे रहा है? सामने आओ। अब तुम इतना बोल ही रहे हो तो ठीक है। मैं हूँ बुरी बुरी ज़ैमोन, मैं लोगों को ग्लोबल बना के उनका रेस्क्यू करता हूँ। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। बुरा मत मानना, पर तू तो एक पेट है जो ग्लोबल की एबिलिटी के साथ आता है। देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम जानते हो इस ग्लोबल के लोग कितना मरते हैं। देखो पेंगू भाई, अभी हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हमारे साथ चलो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे ग्लोबल चुरा लोगे,
इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। अब मेरे जाने का वक्त हो गया, चलो अब मैं चलता हूँ। तुम कहीं नहीं जा सकते, अपने आप को हमारे हवाले करो। पहले पकड़ तो लो, बाद में पकड़ना। रुक जाओ पेंगू, इतने जंगल में अंदर मत जाओ, रुक जाओ। हम तेरे भले के लिए देखो बोल रहे हैं, रुक जाओ, कहाँ भाग रहा है, रुक जाओ। अरे नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, आखिरकार रुक ही गया तू। अरे बाप रे, ये पैंथर यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या इसमें तेरा तो हाथ नहीं? कौन है रे जो गब्बर के इलाके में आके पेट फूट चोरा? हमारा पेट बहुत चोर दिया इसने, ये पेंगुइन है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। मैं क्या करूँ? सांबा के इलाके में आके खुसर बुसर ये नहीं चलेगा। तीन की गिनती में भागना, एक दो भागो, जल्दी भागो, अरे भागो भागो भागो। रुक जा मेरे लिए। अरे ओ सांबा रुक जा, भागो 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 भागो, जल्दी भागो यहाँ से भागो। साइकिल भाई भागो, हमारे पीछे पैंथर आ रहे हैं, भागो जल्दी, भागो 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 मेरे लिए, भागो जल्दी, भागो भागो जल्दी भागो। अबे ओ चिरकुटा रुको ना बे, सांबा पकड़ रहे उसको। दोस्तों मेरा नाम है CR7, प्यार से मुझे लोग क्रोनो कहते हैं। उन ड्रोन्स को मैंने एक ही झटके में खत्म कर दिया, यही तो मेरी एबिलिटी है। वैसे मैं फ्री फायर का लेटेस्ट अपडेट हूँ, पर एडम तुम ये बताओगे कि ये मैप कौन सा है? पर अलोक तुम मुझे देख के खुश नहीं हुए, लगता है तुम्हारी थोड़ी जल गई है। वैसे कोई बात नहीं है क्रोनो, मैं तुम्हारी एबिलिटीज को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, लगता है तुम मुझसे जलते हो। भला हो तुम्हारा क्रोनो, तुमने हमारी जान बचाई, थैंक यू इस बात के लिए। ये तो मेरा फर्स्ट था, वो 2 करोड़ के गरीना ऑफिसर से मैं डरता हूँ क्या? वैसे गरीना ऑफिसर कुछ इतने भी बुरे नहीं होते, और एक बार जरा पीछे पलट के देख लोगे तो अच्छा होगा क्रोनो। हाँ तुम एक बार पीछे देखना चाहिए। क्यों मुड़ू मैं पीछे? मैं एक बार चल लेता हूँ तो पीछे नहीं मुड़ता। तुम्हें फुटबॉल की कसम, एक बार पीछे मुड़ के देखो। अगर फुटबॉल की कसम है तो देख ही लेता हूँ। अरे बाप रे, CR47 गरीना से भागा हुआ कैदी हमारे सामने है, शूटर साइड के ऑर्डर दो। बाप रे, और ड्रोन्स, एक काम करो क्रोनो, फिर से अपनी एबिलिटी यूज करके इन सब को मजा चखा दो। पर मेरी एबिलिटी तो रिचार्ज होने गई है, पर मेरे पास दूसरा प्लान है, आ जाओ जीवन। I'm on. जब मैं बोलू बैठ जाना तो सिर्फ बैठ जाना। पर कहाँ बैठ जाना, कुछ तो बताओ यार। तैयार हो जाओ एलिमिनेशन के लिए, तैयार 3, 2। इनका ध्यान भटकाना होगा, फ्लैश बम फेंकता हूँ। दोस्तों जल्दी बैठ जाओ मेरी इस बाइक पे जिसका नाम है जीवन, जल्दी आ जाओ दोस्तों मेरी इस बाइक पे, वरना ड्रोन्स टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अरे जल्दी चलो, वो लोग आ रहे हैं, जल्दी चलो। हेलो, क्या आज हम जिंदा बच पाएंगे? आज देखते हैं एडम कौन रोकेगा तेरे भाई को। अगर हम ड्रीम बड़े हैं मेरे, गेम में ध्यान पूरा रात हो या सवेरे, सक्सेस
आइडिया है इन ड्रोन से निपटने के लिए। तो बोलो ना, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इस बाइक को गोल गोल घुमाओ जितना हो सके, वो ड्रोन एक दूसरे से टकरा के मर जाएंगे। तो ठीक है, ये ले मैंने घुमा दिया। गरीना तो मैं माफ नहीं करेंगी, तुमने हमारे ड्रोन पूरे बर्बाद कर दिए, एलिमिनेशन के लिए तैयार हो जाओ। एलिमिनेट तो तुम होंगे, फुल पावर होगा नोगा दा। अरे भागो 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 भागो, अबे रुको बे रुको, ऐसा मार रुक जा रे, भागो भागो, वो लोग हमारे पीछे हैं, भागो जल्दी जल्दी भागो भागो। अरे तुम कौन हो? अरे यार तो तुम ही वो लोग हो जिसने मेरे पेट का पेट फूड चुराया है। अब तुम लोगों ने चोरी करना भी शुरू कर दिया है, पहले तो गद्दार थे, अब चोरी भी करना शुरू कर दी। वैसे ये भाई साहब कौन है, कहीं ये हमारे साइड से है? वैनम, तुमने मुझे इनके बारे में बताया नहीं। ये गद्दार है जो लोगों को पीठ पीछे छुरा मारता है, तुझसे पहले का बहुत हिसाब बाकी है। ये तो मुझे पागल लगता है। हे बॉस, इसी पेंगुइन ने हमारा पेट फूड चुराया था। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मैं तुझसे नहीं डरता, अब तो मेरा दोस्त पेंगू भी मेरे साथ है ना? अब मुझे नहीं लगता कि हमारे पास दूसरा रास्ता बचा है सिवाय इसके, अब मुझे मैदान में उतरना ही पड़ेगा। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वाह वेनम, क्या दोस्त है तुम्हारा। समझदार लोग कह गए हैं कि वक्त पर इंसान को समझदार बन जाना चाहिए। क्यों सही कहा है मैंने? मैं तुम्हारी तरफ हूँ, उनकी तरफ नहीं। अब हम लोग उन पर हमला करेंगे। अब ये मजाक बजी बंद भी करो, बहुत हो गया। क्या बोलता है, आज हो ही जाए वन वर्सेस वन। मैं पहले भी तुम तीनों को बुरी तरह हरा चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो मैं लड़ूंगा तुमसे, हो जाए वन वर्सेस वन। तुझे आखिर हुआ क्या है? पहले तूने क्लॉक को मारा और फिर उसके बाद तूने हमें मारने की कोशिश की। तू चाहता क्या है? क्या तू अनिश देव के लिए काम करता है? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना कोई जरूरी नहीं समझता। तुम लोग भी कोई दूध के दुल्हन नहीं हो, तुम लोगों ने भी मेरे साथ बहुत जुल्म किए। मैं अपने एक एक जुल्म का बदला तुमसे जरूर लूंगा और एक एक को मारूंगा। या तूने ये बहुत गलत किया, अब तुझको कोई नहीं मार सकता। आ जा लड़ ले मुझसे। आज मुझे इसने काफी थका दिया, पहले से ज्यादा थकतर हो गए हो वैनम, लेकिन कितना भी कोशिश कर लो तुम एक पुराने के पुराने बंडल ही रहोगे। मेरे जैसे नए और अपडेटेड लुक्स तुम्हें कभी नहीं मिल सकते और मेरी एबिलिटीज कभी तुम्हारे बराबरी नहीं हो सकती, ये बात हमेशा ध्यान रखना और कितना भी कोशिश कर लो। तुम ये फ्री फायर वालों को लड़ने के अलावा और कुछ काम है नहीं क्या? जब देखो तब एक दूसरे को मारते रहते हो। तुम हो शायद मिस्टर फ्रैंकलिन क्लिंटन है ना, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। पर तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करके तुम हमारी दुनिया को बर्बाद क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी दुनिया? मैं तुम्हारी दुनिया को बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं बर्बाद करना चाहता हूँ इन लोगों को। एडम, हयातो, आलोक, इन सबको मैं खत्म कर दूंगा और इनके जानने वालों को भी। ए बेड़ो, ये तो पागल लगता है। बाप रे, कश्मीर तो गया लेकिन इसकी हालत ये किया किसने? अरे वाह,
रोशन। जय वापस आ गए तुम। बाकी सब अगले एपिसोड में। आप लोग बहुत फंटेस्टिक हो, सब जल्द से जल्द 400 के करवा देना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगला एपिसोड आएगा 1 जनवरी को, मतलब न्यू साल में। हो